ये देखिए दोस्त मिलकर ताश खेल रहे हैं, ये भी उम्र अलग होती है। देखिए दोस्तों ट्रेन की स्पीड देखिए कितनी तेज़ है, ये कम से कम इस वक्त 130 की स्पीड पे है, तो इतनी तेज़ स्पीड और मैं खड़ा हूँ दरवाजे पे। ये दोस्तों ये कौन सा स्टेशन आया है, ये लोटना, लोटना स्टेशन है। लोटना कैसा लोटना, मतलब वापस लोटना या ले डाउन करना, बिस्तर पर लोटना। दोस्तों क्या ट्रेन की क्या क्रॉसिंग है, देखो कितना मज़ा आ रहा है क्रॉसिंग में, ये दुरंतो एक्सप्रेस है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त रूपी। तो आज हम जा रहे हैं नई दिल्ली से गोवा और ट्रेन है हमारी संपर्क क्रांति 12450। दोस्तों तो दोस्तों एसी की टिकट हमें मिली नहीं, तो हम नॉर्मल स्लीपर पे ही रिज़र्व करा करके जा रहे हैं। तो ये ट्रेन चंडीगढ़ से मडगांव तक जाती है और आगे फिर ये एर्नाकुलम भी जाती है, पर मडगांव तक ये 12450 ही रहती है दोस्तों। तो ये हम लोग नई दिल्ली से पकड़ रहे हैं, तो ये देखिए बड़ी शानदार और सुपर फास्ट ट्रेन है दोस्तों, इसके बारे में बहुत सुना है। तो देखिए आज इस पर ट्रैवल करके देखते हैं। ये इसकी पेंट्री कार है, देखो पेंट्री कार भी बढ़िया से साफ़ सुथरी अंदर ही है, क्योंकि दो दिन हम इसमें बिताने वाले हैं। तो ये ट्रेन दोस्तों अब ये हमारी नई दिल्ली से चल पड़ी है, सुबह सुबह नई दिल्ली से, इसका 6 बजे के करीब का टाइम है। ये ट्रेन पंजाब हरियाणा दिल्ली वाले सभी पकड़ सकते हैं। ये चंडीगढ़ से दोस्तों 2:15 बजे चलती है, और अम्बाला अगर हरियाणा वाले पकड़ना चाहें तो ये 3:15 बजे के करीब अम्बाला कैंट में आपको मिलती है। फिर पानीपत में भी आपको ये 4:15 बजे मिलती है, और नई दिल्ली में ये 6 बजे के करीब मिलती है। हज़रत निज़ामुद्दीन में भी इसका स्टॉपेज है, 6:15 बजे के करीब आपको ये हज़रत निज़ामुद्दीन पे मिलेगी। तो देखिए ये ट्रेन हमारी अब चल पड़ी है। तो ये दोस्तों कोटा, रतलाम, वडोदरा, सूरत, वसाई रोड, पनवेल, रत्नागिरी, पड़नेम, थीमी मोर, करमाली होते हुए मडगांव जाएगी दोस्तों। तो ये सारे स्टेशनों के बारे में आपको हम बताएंगे। तो ये देखिए अभी ये हिंडन सिटी का स्टेशन आई थिंक ये क्रॉस कर रही है, तो मैं आपको बीच बीच में इसका सारा सफ़र दिखाता रहूँगा दोस्तों। हाँ जी, ये देखिए हिंडन सिटी अभी स्किप हो गया या क्रॉस हो गया जिसको आप कहेंगे। तो दोस्तों सफ़र हमारा बहुत सुहाना होने वाला है। तो ये देखिए दोस्तों कितनी तेज़, देखिए दोस्तों ट्रेन की स्पीड देखिए कितनी तेज़ है, ये कम से कम इस वक्त 130 की स्पीड पे है, तो इतनी तेज़ स्पीड और मैं खड़ा हूँ दरवाजे पे, ट्रेन के डोर पे खड़ा हूँ आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि देखिए ट्रेन की स्पीड कितनी है। दोस्तों ये एसी का सफ़र, एसी कोच का सफ़र अपना अलग मज़ा देता है, पर इस बार मैं जनरल स्लीपर में सफ़र कर रहा हूं, तो उसका अपना अलग ही मज़ा है। डोर पे देखते देखिए ट्रेन डोर पे खड़ा हूं कितनी हिल रही है दोस्तों, और बहुत ज़ोर से मैंने होल्ड किया हुआ है इस पिक्चर्स को कैमरे में लेने के लिए। ये देखिए ये नदी आ गई है, मुझे लगता है ये शायद चंबल नदी है, साई माधोपुर अभी आने वाला है, तो चंबल नदी ये गई है। आप कमेंट में लिखें कि क्या मैं ठीक हूँ, जिन्होंने इधर जर्नी की हुई है, कि क्या ये चंबल नदी थी। तो ये चंबल नदी हमने क्रॉस करी है अभी, तो हमारा ये सवाई माधोपुर अगला स्टेशन आएगा। तो देखिए दोस्तों ट्रेन की स्पीड देखिए, तो ये छोटे छोटे बीच में ब्रिजेस आपको दिखते रहेंगे। देखिए प्लेन राजस्थान में हम लोग एंटर हो चुके हैं, कितनी प्लेन धरती है राजस्थान की। तो ये देखिए ये मालगाड़ी ने एक क्रॉस किया हमें, देखिए कितना वाव, कितनी ज़बरदस्त क्रॉसिंग है दोस्तों। इसके ऊपर कोयला रखा हुआ है, आप अपनी आंखें बचा के रखें, कभी भी कोयले की गुड्स ट्रेन आपको क्रॉस करे तो आप पीछे हट जाएं दरवाजे से। तो देखिए ये मुझे लग रहा है ये ट्रेन खड़ी है, क्रॉसिंग नहीं कर रही। हाँ देखिए खड़ी है ये, अभी इंजन गया है WAG 12V, ये सबसे पावरफुल इंजन है इंडिया का जो गुड्स ट्रेन को खींचता है। ये 2017 में इंडियन रेलवे ने बनाया था, और अभी तक टोटल 460 इंजन्स हैं ये इंडियन रेलवे के पास। तो ये देखिए हम अब सवाई माधोपुर पहुंचने वाले हैं। ये भारत पेट्रोलियम की ये जो डीजल वाली या पेट्रोल वाली वैन है, वैगन, वो खड़ी है। तो ये सवाई माधोपुर का स्टेशन आई गेस आ गया है दोस्तों, और सवाई माधोपुर में हमारा स्टॉपेज नहीं है, फिर भी ये दोस्तों ये है सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन। यहाँ पे हमारा हॉल्ट नहीं है, पर मुझे लगता है ये लूप लाइन पे आ गई है तो रुकेगी यहाँ पे, कुछ क्रॉसिंग करा रही होगी किसी राजधानी को, यहाँ देखते हैं।
पीछे पिछला स्टेशन वहाँ मालगाड़ी खड़ी थी इसलिए प्लेटफॉर्म दिखा नहीं सका, तो यहाँ उतरते हैं दोस्तों एक मिनट के लिए, देखते हैं। सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन, तो ये सवाई माधोपुर का स्टेशन है दोस्तों। तो ये बीच में ही खड़ी है सवाई माधोपुर के। तो अब सवाई माधोपुर से हम लोग चल चुके हैं। देखिए दोस्तों, ट्रेन ने फिर स्पीड पकड़ ली है। अभी हमारा कोटा जंक्शन आने वाला है। देखिए छोटी छोटी पहाड़ियाँ आपको राजस्थान में दिख रही हैं, राजस्थान में अरावली की पहाड़ियाँ आई गैस ये। तो कोटा, अभी हम एक घंटे के करीब कोटा पहुँच जाएंगे। तो हम लोग देखिए कितना स्लो मोशन में मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किया हुआ है। देखिए दूर पहाड़ियाँ दिख रही हैं बड़ी बड़ी, ये राजस्थान की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों। अरावली श्रृंखला है ये, देखिए कितना शानदार व्यू है ट्रेन के। मैं डोर से अभी खड़ा होकर शूटिंग कर रहा हूँ। देखिए स्लीपर क्लास में ट्रैवल करने का ये कितना शानदार मज़ा आ रहा है मुझे। देखिए क्या व्यू है स्लो मोशन पे। तो जल्दी ही हम कोटा पहुँचेंगे दोस्तों। दोस्तों आप इन द मीन टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और तो आप वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें दोस्तों। ये देखिए ट्रेन के अंदर का व्यू भी आपको दिखाता हूँ। ये भाई साहब चाय बेच रहे हैं और ये अपने दूसरे फूड को सेल कर रहे हैं। तो ये देखिए दोस्त मिलकर ताश खेल रहे हैं। ये भी उम्र अलग होती है, ताश खेलने का मज़ा अपना ही है। तो ये देखिए सवारियाँ, सभी पैसेंजर्स ट्रेन में एंजॉय कर रहे हैं, ये ताश खेल रहे हैं, ये फैमिलीज बैठी हैं, सब लोग इसी उम्मीद में हैं कि बढ़िया सफ़र उनका गोवा में कटेगा। तो ये देखिए अब ये हम किसी स्टेशन को स्किप कर रहे हैं शायद, तो ट्रेन थोड़ी स्लो चल रही है। ये स्टेशन का नाम क्या है जरा पढ़ने की कोशिश करूं, लेबान है स्टेशन का नाम, ये कौन सा नाम है, चलो खैर कोई बात नहीं। तो दोस्तों अभी हम राजस्थान में ही अपनी जर्नी को आगे बढ़ाए हुए हैं। इसके बाद अभी कोटा आने वाला है। ये शायद आवाज़ आ रही है, कुछ क्रॉसिंग होएगी। ये देखो वाह, ये दोस्तों क्या ट्रेन की क्या क्रॉसिंग है, देखो कितना मज़ा आ रहा है क्रॉसिंग में। ये दुरंतो एक्सप्रेस है जो मुंबई और हिसार के बीच में चलती है। मज़ा आ गया था दोस्तों क्रॉसिंग देख करके, इतनी फास्ट दोनों ट्रेन्स ने आपस में क्रॉस किया दोस्तों। तो ये भाई साहब बैठे हैं ट्रेन में, सब अपने अपने में मस्त हैं। तो स्लीपर की जर्नी का दोस्तों अलग ही मज़ा है। तो ये देखिए अब ये कोटा हम लोग पहुँच गए हैं। ये कोटा की दूसरी साइड है। कोटा दोस्तों बहुत बड़ा स्टेशन है, मैंने देखा, देखो दूसरी साइड कितनी दूर है अभी। तो ये देखिए सभी लोग, मोस्टली यहाँ पे स्टूडेंट उतरते हैं दोस्तों। ये देखिए काफ़ी सारे पैसेंजर यहाँ उतर रहे हैं। तो ये कोटा जो फेमस है अपने JEE और NEET नीट जिसको हम कहते हैं कि एग्ज़ामिनेशंस के लिए, एंट्रेंस के एग्ज़ामिनेशन की कोचिंग यहाँ पे मिलती है। इसको पहले कोता कहा जाता था। ये देखिए ये स्टूडेंट्स यहाँ पे काफ़ी उतरे हुए हैं। तो ये कोचिंग का ही मेन है। ये देखिए दोस्तों ये केले वाला है यहाँ पे, ये दो या चार केले नहीं देता है, मिनिमम एक केजी केले देता है। तो एक केजी अकेला बंदा कैसे खाएगा। ये जयपुर और जोधपुर के बाद सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली, सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटी है राजस्थान में ये। देखिए अब हमारी ट्रेन कोटा से चल चुकी है। तो ये कोटा के यही जो स्टूडेंट्स कोचिंग वगैरह लेते हैं, इनके बेस पे दोस्तों पीछे एक वेब सीरीज़ भी आई थी। तो कोटा काफ़ी फेमस है। तो ये देखिए ये स्टेशन बहुत बड़ा है। अभी कोटा से चली है, ऐसा लग रहा था जैसे प्लेटफॉर्म सारे ख़त्म हो गए हैं। तो ये दो चार मिनट चलने के बाद ये फिर से प्लेटफॉर्म आ गए, और ये भी कोटा के ही प्लेटफॉर्म है, मैं देख पा रहा हूँ। तो दोस्तों अच्छा बड़ा जंक्शन है ये कोटा। तो देखिए ये
ख़त्म नहीं हो रहा है प्लेटफॉर्म। तो कोटा के बारे में हम बात कर रहे थे, ये स्टूडेंट्स जो हैं जेई और एनईटी नीट जिसको हम कहते हैं, इसके एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए अच्छा बड़ा यहाँ पे कोचिंग सेंटर्स का बिजनेस कह लीजिए, बिजनेस ही है आजकल तो मेडिकल के एग्ज़ाम भी एंट्रेंस एग्ज़ाम भी यहाँ से लोग कोचिंग लेकर के क्लियर करते हैं। लेकिन ये वर्क करता है दोस्तों, कोटा में जितने भी आपके नून भी होंगे, हमारे नून भी होंगे, सब कोटा से ही कोचिंग लेते हैं और उनमें से कुछ लोग डॉक्टर इंजीनियर बन भी जाते हैं। तो देखिए स्टेशन दोस्तों अभी भी ख़त्म नहीं हो रहा, अब जा कर के कोटा का स्टेशन ख़त्म हुआ है, काफ़ी फेमस सिटी है, बहुत बड़ा कोटा का जंक्शन है दोस्तों। तो अब जा कर के हम कोटा से बाहर निकले हैं। देखो क्या व्यू है। तो कोटा के बाद अब दोस्तों हम लोग रतलाम पहुंचने वाले हैं, 2:55 3 बजे के आसपास का टाइम है और कोटा में हम 11:30 बजे पहुंचे थे। तो ये देखिए रतलाम का प्लेटफॉर्म आ गया है दोस्तों। तो लगभग 3 घंटे सफ़र करने के बाद हम रतलाम पहुंचे हैं। तो इस वक्त 2:55 एग्जैक्टली टाइम है मेरी घड़ी में, तो 3 बजे के आसपास का टाइम है दोस्तों। ये रतलाम अब एमपी में हम लोग आ चुके हैं, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है और ये मध्य प्रदेश के मालवा रीजन का पार्ट माना जाता है। रतलाम मालवा रीजन में है और रतलाम में अगर मैं आपको कहूँ तो ये इट वाज फाउंडेड बाय राजा रतन सिंह राठौर इन 1962, जो कि ग्रेट ग्रैंडसन थे राजा उधम सिंह ऑफ जोधपुर के, और इनके रतन सिंह जी के बेटे थे राम सिंह जी, पहले बेटे थे। तो उनके साथ दोनों का फर्स्ट लेटर लेकर के, फर्स्ट नेम लेकर के रत और राम, रत राम इसका नाम पड़ा था, तो जो कि बाद में मतलब मॉडिफाई हो करके रतलाम हो गया, मतलब रतराम से रतराम बन गया। तो ये रतलाम जो था ये न्यू सिटी 1829 में बनाई गई थी कैप्टन बोर्थविक के द्वारा, अंग्रेज़ों ने भाई इंडिया उस टाइम तो बसाया है, सारा डेवलप किया था जो थोड़ा बहुत। तो ये दोस्तों मशहूर है रतलाम, प्योर गोल्ड की ज्वेलरी, 22 कैरेट की ज्वेलरी की थोड़ी सी इंडस्ट्री है यहाँ पे, उसी के कारण ये मशहूर है। ये मिलावटी 24 कैरेट 25 कैरेट उसका काम नहीं करते, 22 कैरेट का काम करते हैं। दूसरा ये देखिए लस्सी बेच रहा है रतलाम में, लस्सी फेमस है। तो रतलाम की जो ना सेव भी बहुत फेमस है, जो सेव टमाटर की सब्ज़ी वगैरह राजस्थान मध्य प्रदेश में चलती है वो वाली सेव, एप्पल नहीं सेव। तो अब हम लोग यहाँ से भी चल पड़े हैं, देखिए रतलाम से निकल पड़ी है हमारी ट्रेन अब। तो गाड़ी ने दोस्तों एक बार फिर से स्पीड पकड़ ली है दोस्तों, ट्रेन बड़ी स्पीड में चलती है दोस्तों। ये मैं तो इसकी ट्रेन की स्पीड देख करके चुकन्ना रह जाता हूँ। इस टाइम 132 की स्पीड है, अगर मैं अपने मोबाइल में चेक करूँ तो मुझे लगता है यही इसकी परमिसिबल मैक्सिमम स्पीड है। तो ट्रेन अब स्लो हो गई है दोस्तों। ये कौन सा स्टेशन आया है, लोटना, लोटना स्टेशन है। लोटना कैसा लोटना, मतलब वापस लोटना या ले डाउन करना, बिस्तर पे लोटना? खैर आई एम किडिंग, मजाक कर रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे स्लो हो गई है, दिन थोड़ा सा ढल गया है, सांझ होने को है और अब ये देखिए क्रॉसिंग हो रही है दोस्तों स्टेशन की, ये किसी स्टेशन को हम स्किप कर रहे हैं। और ये स्टेशन का नाम जो मैं देख पा रहा हूँ वो सामलिया है और हम लोग अब गुजरात में, मध्य प्रदेश से गुजरात में एंटर कर चुके हैं। सामलिया स्टेशन था ये जिसको हमने अभी क्रॉस किया या स्किप किया। तो देखिए दोस्तों ये यही गोवा संपर्क क्रांति ट्रेन की खासियत है, ये सभी अलग अलग राज्यों में आपस में संपर्क साधे हुए हैं। हम लोग पंजाब से निकले, चंडीगढ़ से पंजाब कहें, हरियाणा कहें, फिर उसके बाद दिल्ली में आए, दिल्ली से फिर हम लोग राजस्थान में आए, राजस्थान से मध्य प्रदेश में आए, अब हम गुजरात में पहुंच गए हैं। ये जो पिलर बनते हुए दोस्तों आप देख रहे हो, ये जो महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में, मुंबई और अहमदाबाद के बीच में जो बुलेट ट्रेन चलेगी आई गेस उसके पिलर हैं ये। तो अभी हम आगे इसी संपर्क क्रांति से और संपर्क साधेंगे महाराष्ट्र और गोवा में भी। तो ये देखिए सिग्नल, शाम हो गई है दोस्तों,
6 से ऊपर का टाइम हो गया है, अराउंड 6:15 का टाइम है इस टाइम। तो हम लोग अब वडोदरा पहुंचने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये वडोदरा के आउटर पे ही हम लोग अभी पहुंच चुके हैं। तो ये देखिए सामने भी आपको पिलर नज़र आ रहे थे, जो ये उसी बुलेट ट्रेन के ट्रैक के ही पिलर थे। ये देखिए क्या कर्व्ड ट्रेन ने अभी पटरी चेंज की है, जो लाइन चेंज करने का, ऐसे आगे स्नेक की तरह जो ट्रेन दिखती है ना कर्व्ड, उसका देखने का मज़ा ही अलग है दोस्तों। ये जो बात समझ सकता है, जो ट्रेन की जर्नी का लवर है, ट्रैवलिंग का लवर है, वही समझ सकता है। तो हम लोग अभी वडोदरा के प्लेटफॉर्म के बिल्कुल पास पहुंच गए हैं। तो ये आउटर पे है, ट्रेन फिर से खड़ी हो गई है, तो देखते हैं। तो अब ट्रेन ने दोस्तों फिर स्पीड पकड़ ली है। ये बिल्कुल वडोदरा के प्लेटफॉर्म के बिल्कुल पास आकर के इसने एकदम से स्पीड पकड़ी है। तो ये देखिए प्लेटफॉर्म मेरे ख्याल से आ ही गया। जी हाँ, ये वडोदरा का प्लेटफॉर्म आ गया दोस्तों। तो अब हम लोग वडोदरा पहुँच गए हैं। तो वडोदरा के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो ये वडोदरा जो है गुजरात का एक अच्छा बड़ा शहर है, और इसको बड़ौदा भी कहा जाता है। तो यहाँ पे अभी पीछे जो स्टेशन बन रहा था वो LNT उसको बना रही थी, जैसे हमने पहले भी कहा, वो मेरे हिसाब से वो वही बुलेट ट्रेन का स्टेशन है। तो वडोदरा का ये प्लेटफॉर्म है, देखिए मेरे को ये प्लेटफॉर्म अभी तक का सबसे जगमगाता और सबसे साफ़ सुथरा प्लेटफॉर्म लगा। देखिए ये लाइट का इफ़ेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि अभी 6:30 का टाइम हो चुका है, तो लाइटनिंग स्टेशन में ऑन हो चुकी है, एक वो इफ़ेक्ट भी हो सकता है। दूसरा ये है दोस्तों, ये सफाई भी देखो आप यहाँ पर। अभी कुछ लोग कहेंगे कि ये गुजरात में है, अब कुछ भी है, ये अभी तक के स्टेशन में से सबसे साफ स्टेशन मैंने देखा है, जो इस जर्नी के दौरान मैं करता हुआ आया हूँ गोवा संपर्क क्रांति पे। तो स्टेशन बहुत साफ़ है दोस्तों, ये देखिए जगमगा रहा है, चमचमा रहा है, देखिए रिफ्लेक्ट कर रहा है, अभी नया बना होगा। तो ये प्लेटफॉर्म पे हम लोग उतर गए हैं, IRCTC का सामने खाने का जो शॉप है स्नैक्स की, तो ये बाहर जाने का रास्ता दिखाया हुआ है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों एक्सेलरेटर जो हैं, इस अभी पहली बार मैंने देखे हैं दिल्ली के बाद, हो सकता है स्टेशन पे हों, पर सारे स्टेशन एक्चुअली ना रेनोवेट हो रहे थे। कोटा का स्टेशन भी रेनोवेट हो रहा था। तो ये देखिए आप, वडोदरा से अब हमारी ट्रेन चल चुकी है दोस्तों। वीडियो ये काफ़ी लंबा हो गया है दोस्तों, अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इसका पहला पार्ट हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। लिंक उसका मैं नेक्स्ट पार्ट का डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा दोस्तों। ये पूरी जर्नी आपने देखनी है, इसका नेक्स्ट पार्ट भी आप देखेंगे, आप और इन्जॉय करेंगे। तो वडोदरा से हम लोग दोस्तों निकल पड़े हैं, तो आगे हमारे को जो जर्नी में स्टेशन और मिलने वाले हैं, वो स्टेशन अभी रह गए हैं सूरत, उसके बाद वसाई रोड, पनवेल, रत्नागिरी, परनेम, थिविम, तो ये सारे स्टेशन अभी हमने कवर करने हैं आगे। तो ऐसे ही इंजॉय करते हुए, मज़े लेते हुए दोस्तों हम लोग ये सफ़र पूरा करेंगे। तो वीडियो का पहला पार्ट दोस्तों मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, बहुत जल्द मिलेंगे आपको सेकेंड पार्ट में। मेरे चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट करो, ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।